नहीं, मैंने इसीलिए कहा था मुझे जल्दी ले जाकर छोड़ दो। अभी देखो कितनी देर हो गई, बस अभी तक नहीं आई है। नहीं तो कहा था कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, अब चिल्ला क्यों रही हो? हेलो, वेट करो, पापा लाइन पर हैं। हाँ बोलिए पापा। कहाँ बेटा, अभी तक बस नहीं आई क्या? इतनी देर से किससे बात कर रही हो? पापा बस स्टॉप पर ही हूँ, बस अभी तक नहीं आई है। मेरी दोस्त लता है ना, उसी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे घर पहुँचने में देर हो जाती है तो आगे से स्पेशल क्लास नहीं करूँगी मैं, यही कह रही थी उसे। जो भी हो बेटी, बहुत देर हो गई है, इस तरह अकेली लड़की का बाहर रहना ठीक नहीं है। हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथ में है। बस में बैठते मुझे। हाँ ठीक है पापा, जल्दी घर पहुँचो बेटी। हाँ ठीक है, ओके पापा। हाँ बोलो क्या हुआ? हे, सब तुम्हारे कारण हुआ है। देखो पापा कितना गुस्सा कर रहे हैं, इतनी देर तक किससे बात कर रही थी यही पूछ रहे थे वो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, घर में मुझे चिल्ला रही हो तुम। ठीक है मैं घर पहुँच कर व्हाट्सएप करती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। उठा ले। हाल के दिनों में हमारा राज्य देश में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित होता जा रहा है, ये एक महिला के रूप में कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। साथ ही अपनी सरकार पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाल ही में हमारे शहर से कॉलेज की 4 लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। उनके साथ क्या हुआ अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इस बारे में पुलिस से पूछने पर वो कहती है कि विशेष टीम का गठन करके तहकीकात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये शोक खत्म करके मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। शहर की सभी सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर शहर को सेफ कहने वाली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया ही क्या है। ये हाल सिर्फ लड़कियों का ही नहीं बल्कि बच्चियों का भी है। मासूम बच्चियां भी इनसे बची नहीं है। इस पर रोक लगाने के लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी, लेकिन यहाँ तो सजा ही नहीं होती है। अगर आप सजा नहीं दे सकते तो हम लड़कियों के हाथ में बंदूक दे दीजिए, उसके बाद हमें किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं। ठीक है चलो कवर करो मुझे। भाई वो कवर को मुझे दो ना। यार बहुत मस्त माल उठा के लाए हो। हमेशा कॉलेज की लड़कियों को उठा कर लाते हो, स्कूल की लड़की को उठा कर लाओ। जरूर यार, अगली बार ध्यान दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ज्यादा बकवास मत कर, पुलिस के चक्कर में फंस जाएगा ना। फंस गया तो क्या हुआ, फांसी पे थोड़ी नहीं लटका देंगे। ये सब छोड़ो, मेरा बाप राजनीति में है, फंस भी गया तो वो बचा लेगा। अरे पहले अपने को पकड़ो, जल्दी पियो, मुर्गी गर्म हो गई है। क्या बात है भाई, क्या हुआ, चढ़ गई क्या, सिर क्यों लुढ़क रहा है? हे, वो नहीं है। हे, कहाँ गई होगी वो? कहाँ गई वो? ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी, जाओ उस तरह। हाँ। हे, ये कैसी आवाज?
ए भाई वो तो यहाँ है। क्या हुआ, चल उधर देखते। ए कैसी आवाज है, क्या हो रहा है वहाँ पे? ए भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन उधर? अरे जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, ये क्या खून निकल रहा है? अरे क्या है, किसने किया होगा? जल्दी करो, ए ढूंढो खून निकल रहा है, कौन ढूंढो, देखो 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 क्या होगा। किसने मारा मुझे, किसने मारा? हाँ कौन है, कौन है, किसने मारा? ए ए कौन है, कौन है रे? अरे ए ए मुझे मारा, इधर इधर मारा, इधर ही है वो, यही गई है, यही गई, यही था। क्या हुआ, देख 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 क्या हुआ, क्या हुआ, यही था, बोलना क्या हुआ। उसने मुझे मारा, यही गई था। क्या हुआ बताना, उसने मुझे मारा। क्या बात है, अबे लड़की को कहाँ छुपाया है, मरता तो बाहर आना। ए कौन है? अरे डैडी, मुझे तभी पता था जब आपने टाइटैनिक के जैक की तरह अपना हेयर स्टाइल बनवाया था और अपने यहाँ काम करने वाली उस औरत को लेके भाग गए थे। आपको ये शोभा देता है क्या डैडी? क्या बात है मालिक, सुबह सुबह अपना राग अलापने लगे। कौन है वो बेवकूफ? तेरी तो ए, ये क्या, तूने अपनी शक्ल बंदरों जैसी क्यों बना रखी है? हर महीने तनख्वाह लेते समय चेहरे पे तो बहुत चमक रहती है, उसी तरह कस्टमर का भी ध्यान रखो, समझे ना? तो उसके लिए हर दिन तनख्वाह दीजिए ना। क्या कहा है, रोज तनख्वाह दूं? ए उसके लिए मुझे जाली नोट छापने पड़ेंगे, समझा? अपनी शक्ल देखी आईने में, पागल कहीं का। ए, 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 मालिक मालिक क्यों रे, ऐसे रगड़ के क्यों जा रहा है? सॉरी मालिक। ये क्या है, कल के समोसे हैं, कूड़े में डालने जा रहा हूँ। क्या कहा, कूड़े में डालने जा रहा है? हाँ मालिक। ए किसके समोसे और कौन कूड़े में डाल रहा है? पहले इसे लेके जा और गर्म कर, ठीक है? फिर कोई दूसरा आएगा ना तो उसे दे देना। जी मालिक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कूड़े में डालने आया था, हाँ ठीक है ठीक है, अपना काम करो। ए तू टक्कर क्यों मार रही है, अपने आप को जवान समझ रही है क्या? इस समय कहाँ जा रही हो, 11 बज रहे हैं। बाथरूम साफ करने जा रही हूँ। क्या कहा, बाथरूम साफ करने जा रही हो? समय क्या हो रहा है पता है? आने के लिए बस नहीं मिली। बस नहीं मिली तो क्या अपनी ऑडी कार भेज दूँ? हाँ उसमें आराम से आ जाना, ये मुंह और मसूर की दाल, चल बढ़िया। क्यों रे, सारे आइटम है ना? सर, सर दिवाली का बोनस। क्या कहा, दिवाली का बोनस? हाँ, चाहिए क्या? दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलेगा क्या, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं सर? सबको दिवाली का बोनस चाहिए, जैसे मैं थिएटर नहीं ब्लू फिल्म चला रहा हूँ। पगार तो देता नहीं है लेकिन काम पर जल्दी आना है। ए, ये क्या गर्मा गर्म बना रहा है? आपने जो कहे तो वही समोसे गर्म कर रहा हूँ। ए तू सही है, मेरी बात को मानता है। बनाओ बनाओ। अच्छा ये बताओ कितने बनाए हैं? इससे अच्छा तो इसका बाप था। अरे रे मालिक 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 मालिक,
अरे रे रे, ये बुढ़िया ऐसे क्यों दौड़ रही है? मुझे क्या मालूम मालिक? अरे रे, रुक रुक रुक, क्या हुआ? किसी ने तेरा रेप कर दिया क्या? वो बात नहीं है मालिक, वहाँ पर दो लोग टॉयलेट कर रहे थे, तूने देखा क्या? आप एकदम पागल है, वहाँ दो लोग मरे पड़े हैं। क्या कहा मरे पड़े हैं? अरे कहीं हमारे समोसे खाकर तो नहीं मर गए? ये बात है तो फिर हमारे थिएटर को दोबारा सील कर देंगे। चले क्या, पक्का मर गया ना? चलिए मालिक। ए, पहले समोसे को दफन करके पुलिस को फोन करो। तुम्हारे जैसे बेवकूफों को काम पे रख के मेरी आफत आ गई है। बुढ़िया तुझे तो फांसी होगी। नमस्कार, आज का मुख्य समाचार। आज एक जाने माने थिएटर में वित्त मंत्री जगन्नाथ जी के बेटे और थिएटर के एक कर्मचारी की लाश मिली है, जिनका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, और ये लाश थिएटर के बाथरूम में मिली है। इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच के लिए पुलिस लग चुकी है। बेटा गणेश, गणेश, सर आप चिंता मत कीजिए सर, जल्दी गुनाहगार को हम पकड़ लेंगे। मेरे बेटे के अंतिम संस्कार को पूरा होने से पहले उसे पकड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी ये वर्दी नहीं रहेगी। हमें अकेला छोड़ कर चला गया बेटा। आप चिंता मत कीजिए मालिक, जिसने भी छोटे मालिक का ये हाल किया उसे खत्म करके ही दम लेंगे। लड़कों को कम पे लगा दिया है। क्या भाई खाना खा रहे हो? हाँ खा रहा हूँ। खाओ 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 खाओ। मंत्री के बेटे को मार दिया। किसने कहा? है ना, अब तेरी बारी है बेटा। किसने कहा? जिन जिन पे शक था सबको खत्म कर दिया है। इनमें से कोई नहीं है, मेरे बेटे को मारने वाला कोई और है। मेरे बेटे की तैयारी भी हो गई, अभी तक तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम सब बिरयानी खाने के लायक हो, सब चुप क्यों बैठे हो? तुम लोगों के लिए बस एक केस है, लेकिन मेरे लिए मेरा बेटा है। तहकीकात चल रही है सर, थोड़ा समय दीजिए, पता कर लेंगे हम। तुम कितना पता लगाओगे मैं सब जानता हूँ। खूनी का पता लगाओगे या यहाँ बैठ कर किसी बेकार की बातें करोगी? तुम करो या फिर इस केस को CBI को सौंप देता हूँ। 2 दिन में खूनी को पकड़ कर मुझे रिपोर्ट करो, नहीं तो तुम सबका डी प्रमोट कर दूंगा। क्या कर रहे हैं आप सब लोग? आप सब की वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। प्रकाश जी, आप लोगों ने उनकी बात सुनी ना? क्या कर रहे हैं आप लोग? सर, इस केस से संबंधित लड़कों के दोस्त, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड सब लोगों से पूछताछ कर चुके हैं सर। वारदात वाली जगह पे कोई सुराग नहीं मिला है सर, लेकिन एक बात पक्की है, खून करने वाला जरूर कोई साइको है। आप ये कैसे कह सकते हैं? जिन दोनों का खून हुआ है उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई है, उसने खून क्यों किया है ये तो मालूम नहीं है। सर, मुझे लगता है कि ऐसे केस को हैंडल करने के लिए अपने ACP गुरु ही ठीक रहेंगे। सर, वो बहुत बड़ा साइको है, वो तो बड़े अफसरों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। वो सब ठीक है, लेकिन उनका ना होना डिपार्टमेंट के लिए लॉस है। नो 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 नो, आपके पास 3 दिन का समय है, इस केस को सॉल्व कीजिए, नहीं तो इस केस को CBI को सौंप दिया जाएगा। मेक इट फास्ट। सर, अब क्या करना चाहिए? अगर ये केस CBI को जाता है तो हमारे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी होगी। सर ने सही कहा, इस केस के लिए गुरु सही आदमी है, मैं उससे खुद बात करूंगा। खूनी को पकड़ने से पहले पता नहीं कितने एनकाउंटर्स करेगा।
ए, क्या केस है? बाहर भेजो, बाहर भेजो। ए, सेल नंबर क्या है? 11 नंबर सर। ए, लॉक खोलो। सर। सुना है तुम्हें बेल मिल गई है? जी सर। अरे अरे क्या हुआ? अरे ये क्या हो रहा? गोली क्यों चला? अरे क्या हो रहा है? अरे बाप रे। अरे क्या हुआ भाई? शूट कर दिया सर। सर ये लॉकअप है सर, खबर फैल गई तो मुसीबत हो जाएगी सर। केस को क्लोज करके उसे उठाकर बाहर फेंको। अरे सर आप सर अब क्या करें सर? लॉकअप में बंद कैदी का एनकाउंटर करने का हक किसने दिया आपको? उसे मैंने गिरफ्तार किया था। This is my case. उसे आपने गिरफ्तार किया मतलब ये नहीं आपका केस है। कानून को हाथ में लेने का आपका हक नहीं है। आप उसे शूट कैसे कर सकते हैं? मैडम आप इतने सारे सवाल कर रही हैं लेकिन एक का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। कितने घमंडी हैं ये। चलो बोलो ऐसे चुप रहने का क्या मतलब है? हा? गुरु अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगे तो हमें तुम्हें तुम्हारे काम से बर्खास्त करना होगा। मैडम इन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए, ये हर केस में ऐसा ही करते हैं। एक नंबर के साइको हैं। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, हर मुजरिम को खुद गोली मारकर भागने की कोशिश कर रहा है बोल के फाइल क्लोज कर देते हैं ये। इस तरह कई एनकाउंटर कर चुके हैं ये, और ये सब आपकी ढील का नतीजा है। मैडम आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। जवाब दो ना, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्शन तो बिल्कुल चाहिए। ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। ऐसे किसी को बताइए क्या बोलना होगा? ऐसे बोलना होगा। साइलेंस। साइलेंस। कौन है साइको? हाँ? एक छोटी सी बच्ची का रेप करके जलाकर मार दिया, वो है साइको। अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो आप लोग ऐसी बातें नहीं करते। ऐसे जानवर के लिए आप लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। आप लोग एबनॉर्मल हैं। जाकर अपना टेस्ट कराइए, जाइए डॉक्टर के पास। दिस इज माई केस। मैंने उसे पकड़ा और केस भी खत्म किया और उसे भी खत्म किया, समझे? जहां तक इस केस का सवाल है, मैंने जो किया वो सही है या गलत इसका फैसला करने का हक दो लोगों को है, उस बच्ची के माता पिता। उन्हें कहने दीजिए कि मैंने गलत किया। एक बात बताइए, आप कौन होते हैं मुझे डिपार्टमेंट से निकालने वाले? मुझे इस डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। गुड बाय। वित्त मंत्री जगन्नाथ के बेटे और थिएटर के कर्मचारी की हत्या के मामले में कोई सफलता न मिलने की सूरत में एसीपी गुरु की अगुवाई में विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही साथ एसीपी गुरु को एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने ये केस आपके या फिर मंत्री जी के लिए नहीं लिया है। फिर किसके लिए लिया? उस मंत्री के बेटे के साथ दूसरा लड़का मरा था ना, उसके लिए केस लिया। खैर जो भी हो, तुमने केस लिया वही बहुत अच्छी बात है। इस केस के लिए तुम एक टीम बनाओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ओके सर। ए, कौन है ये? थिएटर को तो ऐसे देख रहा है जैसे ये खरीदने वाला। कौन है ये? अरे मालिक मुझे नहीं पता। अरे मालिक मालिक सुनिए तो मालिक, देखने में अंडरटेकर जैसा लग रहा है, उसके पास मत जाइए मालिक। अरे चलना। अरे नहीं मालिक मत जाइए, कल भी आप गए थे और मुंह तोड़वा करके आ गए थे, आप याद है? बेइज्जती कर रहा है नालायक, चुपचाप चल। अरे रुकिए मालिक, देखिए ना वो खुद ही आ रहे हैं इधर। ये तो बहुत ही लंबा है, हॉट बॉक्स से खाना के लिखा जाएगा। भाई कौन हो भाई, थिएटर खरीदने के लिए आए हो क्या? आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो, आखिर बात क्या है? तुम कौन हो? हाँ? क्या कहा? मैं कौन हूँ? ए बताइए नहीं। यही तो थिएटर के मालिक हैं सर। नाम क्या है? हाँ? ये मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? पता नहीं मालिक। नाम बताओ। अक्षय कुमार। अगर किसी को अपना नाम बताया तो जान से मार दूंगा। पहले अपना नाम बदलो। कौन है ये? जान से मारने की धमकी दे रहा है? पागल है क्या?
पुलिस वाला है मालिक? अरे चल आया बड़ा पुलिस वाला, ऐसे बहुत पुलिस वालों को देखे। अच्छा? दिखा दूंगा, समझा देना। इसके अगले पार्ट टू में मैं ही हूँ, समझे ना। सर। क्यों प्रकाश जी, आपकी टीम में सैल्यूट करने की आदत नहीं है क्या? चित्रा देख क्या रही हो, सैल्यूट करो। ओके अब मुद्दे पर आते हैं, खून कब और कितने बजे हुआ था? पिछले शुक्रवार को सुबह 10:30 के करीब हत्या हुई थी। सबसे पहले बॉडी किसने देखी थी? बाथरूम साफ करने वाली बाई ने सर। उनसे पूछताछ की? की थी सर, उससे बस यही पता चला कि उसने सिर्फ लाश देखी थी और कुछ नहीं सर। मंत्री के बेटे और थिएटर में काम करने वाले लड़के के बीच कोई रिश्ता? नहीं सर, थिएटर साफ करने वाले लड़के का कोई नहीं है सर, वो बहुत दिनों से यही काम कर रहा था सर। उस मंत्री के बेटे के दोस्तों से और रिश्तेदारों से पूछताछ की क्या? और उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? है सर, उसका नाम प्रियंका है। उससे पूछताछ की? पूछताछ की थी सर, लेकिन उसने कहा वो कुछ नहीं जानती। कहाँ रहती है वो? आनंद नगर में सर। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाओ। ओके सर। एक बात बताओ, इससे पहले इस केस को कौन हैंडल कर रहा था? हमारी टीम सर। कोई एविडेंस मिला क्या? कोई एविडेंस नहीं मिला सर, अगर मिल जाता तो इस केस को कब का क्लोज कर देते। जी बहुत बहादुर है ये। तुम्हें आंखों के अस्पताल में ले जाकर तुम लोगों की आंखें चेक करवानी होंगी। सर पहला चश्मा उतारिए, आप कोई बोल रही है? मेरी समझ में नहीं आया सर। तो फिर ये क्या है? क्राइम सीन एविडेंस, ये एक तरह का ड्रग्स है। पुलिस वाले की नजर गिद्ध की तरह होनी चाहिए। अपनी टीम से इसके बारे में डिटेल्स जमा करवाइए। फैमिली वैमिली कहकर टाइम वेस्ट ना करें, काम करने के लिए कहिए। चलो सब लोग। तुम्हारी माँ ने खाना खाया? अभी नहीं पिताजी, बस रो रही है वो, ठीक से खाना भी नहीं खाया है। वो कहाँ पर है? भैया के कमरे में। क्या तुम्हें सिर्फ दुख है? मुझे दुख नहीं है क्या? खाना ना खाने से तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा क्या? आपके मंत्री होने का क्या फायदा जब मेरे बेटे के कातिलों को नहीं पकड़ सकते? आप मंत्री हो ये कहने में मुझे शर्म आती है। तुम क्या चाहती हो? बेटे के हत्यारे का पता लगाऊं? मैं वादा करता हूँ उसकी अस्थियां भी मैं विसर्जित करूंगा। सुनो सर, लड़की को अंदर भेजो। चाय सर। सर बुला रहे हैं, अंदर जाओ। आप बैठिए मैडम। मैडम नाम बताइए मैडम। सर वो एक मिनट, क्या करती हो तुम? आईटी कंपनी में काम करती हूँ सर। इसी शहर में रहती हो? नहीं सर। कहाँ पर ठहरी हो? आनंद नगर के एक हॉस्टल में ठहरी हूँ। मंत्री जी के बेटे को तुम कैसे जानती हो?
कॉलेज में थे सर, हम कॉलेज में प्यार करते थे। मंत्री जी के बेटे से आखिरी बार तुमने ही बात की थी? इसका मतलब आप मुझ पे शक कर रहे हैं सर? मैं बस पूछताछ कर रहा हूँ। अगर तुम पर शक होता तो हमारे पूछने का तरीका ही अलग होता है, ठीक है? उसकी किसी से दुश्मनी थी क्या? जहाँ तक मुझे पता है ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी तरह सोचकर बताओ, तुम्हारा दिया हुआ एक एक क्लू इस केस में बहुत मदद कर सकता है। हाँ, एक दिन बीच पर एक आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इस बारे में लोकल पुलिस स्टेशन में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता सर। ये कब हुआ था? वही कुछ एक महीने पहले। एक महीना, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। इस केस के बारे में पूछताछ के लिए आना पड़ सकता है, ठीक है? ओके सर। प्रकाश सर, इस लड़की ने जिस रिपोर्ट के बारे में कहा उसकी पूरी जानकारी उस पुलिस स्टेशन से लेकर आओ। यस सर। सुनो, मैंने उस ड्रग्स के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी। चित्रा कहाँ है? वो टीम छोड़ के चली गई सर। टीम छोड़कर चली गई, क्यों? पता नहीं सर। ठीक है, आप जाइए। माँ, वो बस आते ही होंगे। लेट हो रही है, मीटिंग में जाना है, तुम्हें पता है ना? कॉल करके देख। कॉल करके पूछो और कितनी देर। लगता है ड्राइव कर रहे हैं। हाँ? ड्राइव कर रहे होंगे, माँ फोन नहीं उठा रहे। उससे पूछो कब तक आएगा, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। सॉरी यार, लेट हो गया। माँ, मैंने बताया था ना, यही है गुरु। नमस्ते आंटी जी। बैठ जाओ। क्या लेंगे पूछो इन्हें। क्या लोगे तुम? नो थैंक्स। कुछ तो लो ना। कहा ना। कमिंग टू द पॉइंट, इसके पापा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे बहुत अच्छे से पाला है। ओके, लेकिन शादी के बाद मैं चाहती हूँ इसकी अच्छी फैमिली हो, लेकिन इसने बताया कि तुम्हें कनाथ हो। माँ, शायद तुम मेरी बात समझ गए। मैं अनाथ हूँ जानकर ही आपकी बेटी ने मुझसे प्यार किया था। गुरु, मेरी माँ है, तमीज से बात करो प्लीज। तमीज तो माता पिता होते तो सिखाते ना, लेकिन ये तो अनाथ है, इसे तमीज के बारे में क्या पता। माँ, तू तमीज के बारे में क्या जानती है? ए, तू मुझे चाहती है तो चल मेरे साथ, नहीं तो जैसे तेरी माँ कहती है वैसे किसी से शादी करके खुश रह, समझी? सोच ले। गुरु, ए, मुंह बंद कर। चित्रा, 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 मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह रहा हूं। चित्रा, तुम कैसी हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, समझ गए? तुम चले जाओ यहाँ से। ए, तुम चाहती क्या हो ये बताओ। उस दिन जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो किया वो सही था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी माँ से माफी मांग लूं तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा? ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से माफी मांग लूंगा। अरे क्या हुआ यार? ए, क्या हुआ?
ए, सॉरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसी तरह मैं अपनी माँ से भी प्यार करती हूँ। तुम्हें उन्होंने अनाथ कहा था, लेकिन देखो मुझे अनाथ छोड़ गई। जब तक मैं हूँ तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह देख सकता हूँ या नहीं, लेकिन अगर मेरी माँ होती, वो जैसे तुम्हारा ख्याल रखती, वैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जानू, शादी कर लें क्या? हाँ कर लेते। सर, उस दिन मंत्री के बेटे से दीना नाम के एक लोकल गुंडे ने रफड़ा किया था। वो कहाँ मिलेगा? एमजे नगर के मच्छी बाजार में होगा सर। चलो चलते हैं। सर, बहुत खतरनाक एरिया है सर, बिना फोर्स के मत जाइए सर। या दीना कौन है? ए दीना, हाँ? तुमसे मिलने के लिए कोई अकेला आया है? अच्छा, शायद मछली खरीदने के लिए आया होगा। अच्छी अच्छी मछलियां देके भेज दो उसे। मैं मछली लेने नहीं आया, मछली पकड़ने आया। सारी मछलियां हथियार के साथ हैं, हाथ लगाया ना तो हाथ ही नहीं रहेगा। मेरे को तो लगता है आज बिना हाथ के वापस जाएगा ये। No!
सर 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 मुझे छोड़ दीजिए सर 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 मुझे चाकू दिखाता है सर मैंने कुछ नहीं किया सर सर छोड़ दीजिए सर मैंने कुछ नहीं किया सर 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 मैंने कोई गलती नहीं की है सर मेरी कोई गलती नहीं है सर छोड़ दीजिए सर सर मैं तो धंधा करता हूँ सर सर मेरा तो मछलियों का धंधा है सर मैं कुछ नहीं करता हूँ सर मुझे छोड़ दीजिए सर मुझे क्यों मार रहे हैं मैंने क्या किया है सर बताइए तो सही मैंने कुछ नहीं किया है संभल कर मारिए इसे दर्द होगा इसने मुंह खोला नहीं सर बता नहीं रहा सर इतने प्यार से मारोगे तो ऐसे मुंह खोलेगा सर 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 मैं सब बता दूंगा सर सर मारो मत सर 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 सच कह रहा हूँ सर मैं सब बता दूंगा मैं बता दूंगा सर मैं सब बता दूंगा सब सच बता दूंगा सर मारो मत सर 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 सच में सर सब बता दूंगा मैं मंत्री के बेटे और तेरे बीच में क्या लफड़ा था सर 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 मैं कुछ नहीं जानता तूने मारा ना उसे मुझे कुछ नहीं पता उसके साथ एक लड़के को और भी मारा है सर 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 नहीं सर मुझे नहीं पता तुझे फोन करते हुए उसने देख लिया था क्या सर मैंने नहीं मारा है सर हमारे एरिया की लड़की उसके एक्सपोर्ट में काम करती है सर उस लड़की ने मुझसे शिकायत की थी कि वो उससे जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहा था मैंने तो उसे बस धमकाया था सर और आप मुझे मार रहे हैं सर मुझे कुछ नहीं पता सर मेरा इस खून से कोई वास्ता नहीं है सर फिर मुझे देखकर क्यों भाग रहा था सर मुझे डर था कहीं आप मेरा एनकाउंटर ना कर दे सर इसीलिए मैं भाग रहा था प्रकाश सर इसे स्टेशन ले जाओ सर सर छोड़ दीजिए ना सर ए, चल रहे सर, सर मैंने कुछ नहीं किया है सर छोड़ दीजिए सर मैंने कुछ नहीं किया चित्रा सर जिस लड़की के बारे में बताया उससे पूछताछ करो ओके सर हेलो मैं अभी पहुंच रहा हूं सर आप जिस केस को हैंडल कर रहे हैं ना उस केस का और इस केस का संबंध है ये कब हुआ लगता है बहुत दिन हो गए सर बॉडी डीकंपोज हो गई ये कौन है सर ये मृतक का बेटा है सर बॉडी कहाँ है ऊपर है सर बॉडी डिस्पोज करके पोस्टमार्टम करो ओके सर फिंगरप्रिंट्स मिले क्या देख रहा हूँ सर बॉडी को कितने बजे देखा 11 बजे तुम्हें किसी पे शक है क्या नहीं सर घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं सर आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी ओके सर सर तुम्हारा नाम क्या है विजय सर क्या करते हो BSc फाइनल ईयर आखिरी बार तुम्हारे पिताजी से कब बात हुई थी 3 दिन पहले वीडियो कॉल पर बात हुई थी मुझे नहीं पता कि विदेश से वापस कब आए जब मैं यहां आया okay, तो रिलैक्स घर पर और कौन है सिर्फ मैं और पिताजी वारदात के समय तुम कहां थे प्रोजेक्ट के काम से बाहर गया था तुम्हें किसी पर शक है तुम्हारे पिताजी की बिजनेस में किसी से दुश्मनी नहीं सर मुझे डैड के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता सॉरी टू से दिस तुम्हारे पिताजी की तरह और दो लोग भी ऐसे ही मारे गए
इसलिए अगर इस हत्या के बारे में तुम्हें किसी पर शक हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, ठीक है? टेक केयर। ओके सर। सर इनके बारे में सारी जानकारी हासिल करो। ओके सर। भाई भाई देना यार, नोट्स तैयार कर लिया क्या? हाँ, और अच्छा, क्या थोड़ा बहुत भी देना है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कल रात मुझे सनी के ही सपने आते रहे, पूरी रात मैं सो नहीं पाया। ए रघु, एग्जाम देने नहीं गया? कौन सा एग्जाम है, चल जा, जो लिखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जा जा जा। हाय दोस्त। हाँ टॉयलेट जा रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है? ये दुनिया पिटल जी, ये दुनिया पिटल जी, ये दुनिया पिटल जी, ये दुनिया पिटल जी, ये दुनिया पिटल जी। हिंदी गानों में सनी कितनी अच्छी लगती है। अरे यार, सबने कहा था कॉलेज में भर्ती होगा तो तुझे टॉयलेट हिसाब करना पड़ेगा, और देखो वही कर रहा हूँ। सच में यार, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है। पता नहीं वार्डन कहाँ मर गया, उस दिन उसको बताया था मैंने, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। पानी नहीं जा रहा है, ड्रेनेज में कुछ फंस गया है, जाकर देखता हूँ। अरे भाई, डंडा लेके कहाँ जा रहा है? आज उस वार्डन की गर्दन में घुसा के उसे मार डालूंगा। ए संभल के कहीं हत्या के केस में फंस मत जाना। ए मैंने बहुत हत्याएं देखी हैं। मेरी जानू सन्नी की वजह से मेरे हाथ की पावर कम हो गई है, अब ड्राई फ्रूट खाना शुरू करना होगा। तेरी तो। ए वार्डन, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था और आप यहाँ बैठ के सफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे। कितने काम के प्रति जागरूक हैं आप। देखिए ना क्या फंसा है, देखिए ना ड्रेनेज में कुछ फंस गया है क्या? हाँ? अरे बाप रे, ये क्या? अरे वार्डन, अरे बाप रे, हे हे, अरे ये क्या हो गया? अरे किसी ने वार्डन को मार दिया है। अरे अरे ये क्या? चल 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 चल, 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 चल बताते हैं, चल आजा। अरे बाप रे, ये सब कैसे हो गया? भीड़ को हटाइए। बॉडी को निकाल कर एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। ओके मैडम। एसीपी को इन्फॉर्म कर दिया आनंद? अभी कर देता हूँ मैडम। चलो पीछे हट जाओ, यहाँ पर मत खड़े रहो। लगता है कल ही हुआ है मैडम। चलो यहाँ से पीछे हटो, तमाशा क्यों लगा रखा है यहाँ पर? क्या कर रहे हो भाई, एम्बुलेंस जल्दी भेजो। चलो यहाँ से, तमाशा मत बनाओ, चलो चलो पीछे जाओ, हम लोग हमारा काम करने दो, जाओ यहाँ से। सर इस एरिया का इंस्पेक्टर कौन है? ये मैडम ही सर। बॉडी पहले किसने देखी थी? सर कॉलेज के लड़के ने देखा सर। बॉडी डिस्पोज करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। साथ ही हॉस्टल के सभी लड़कों को आने के लिए कहो। ओके, मुझे पूछताछ करनी है। ओके सर। हॉस्टल के लड़कों को असेंबल कीजिए जल्दी। जल्दी करो, सबको बुलाओ। चलो ए, चलो जल्दी, चलो, सब चलो, असेंबल जल्दी हो जाए। चलो चलो जल्दी चलो। बॉडी से बदबू आने लगी है मैडम। चलो कल से पड़ी है इसीलिए। जी मैडम। चलो कौन है वो लड़का? सर ये है वो। तुम्हारा नाम क्या है? रघु है सर। क्या? रघु है सर। तुमने कब देखा? वो टॉयलेट का पानी नहीं जा रहा था, मैंने सोचा ड्रेनेज में कुछ फंसा है, वही साफ करने गया तो देखा वहां पर ये ऐसे पड़े थे। सर ये सुबह से बोल रहा था कि वार्डन को जान से मार देना है। ए चुप कर सर, मैं तो मजाक कर रहा था सर। वार्डन कैसा आदमी था? वार्डन लड़कों के साथ सख्ती से बर्ताव करते थे, इसलिए लड़के उनसे नाराज रहते थे सर।
वार्डन की यहाँ किसी से पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, वो मुकेश नाम के एक लड़के से उनकी बहुत बहस हुई थी। कौन है वो, कहाँ है वो? मुकेश अपने कमरे में होगा सर। प्रकाश सर, उसे जाकर यहाँ लेकर आओ। जी। आखिरी बार वार्डन को कब देखा था? एक हफ्ते पहले कह रहे थे कि अपने गांव जाने वाले हैं, वापस कब आए, उसके बाद सर ये सब हो गया। सर यही है मुकेश। हे, सबको यहाँ आने के लिए कहा था, तो तू अकेला कमरे में क्या कर रहा था? तबीयत ठीक नहीं थी सर। तुम्हारे और वार्डन के बीच में क्या लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं है सर। प्रकाश इसके कमरे को चेक करो। सर मेरे कमरे को क्यों चेक करेंगे, आपको कोई राइट से क्या? तो कंचड़िया बैठ यहाँ। सर सर कमिश्नर सर। यहाँ के सारे रूमों की तलाशी लो। ठीक है सर, चलो। नशेड़िया गंजेड़िया कहीं का। पढ़ने आए हो या अय्याशी करने आए हो, बोलो। तुम लोग जिंदगी में कुछ बन जाओगे, इसलिए तुम्हारे माता पिता मेहनत करके तुम्हारे लिए पैसे भेज रहे हैं खर्चे के लिए, और तुम लोग गांजा और बाकी अय्याशी कर रहे हो, अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। चित्रा सर, कॉलेज के मैनेजमेंट को फोन करके इसकी जानकारी दो। ओके सर। ये किसके कमरे से मिला? इस लड़के के कमरे से सर। भाभी की जवानी, मक्खन को लगाकर चाट, जवानी दीवानी। अरे बाप रे, ये सब क्या है? सर मोबाइल नहीं है ना सर। इन्फॉर्म कर दिया? कर दिया सर, पहले ही मर्डर के बारे में सबको पता चल गया, अब ये ड्रग्स के बारे में बाहर पता चला तो कॉलेज बंद करना पड़ेगा सर, ऐसा कह रहे हैं। क्यों बंद करना पड़ेगा? सीएम का इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं सर, लड़कों पर भी एक्शन लेने से मना कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? भाई मैं सोच रहा था कि गलती कहाँ हो रही है, लेकिन अब पता चला कि गलती ऊपर से हो रही है। इनके साथ कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, उन्हें उन्हें तो बस पैसा चाहिए, पैसा। ए, तुम सब छात्र हो इसलिए छोड़ रहा हूं तुम सबको, अगर आज के बाद मुझे पता चला कि तुम में से कोई गांजा या किसी तरह का नशा कर रहा है तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, खाल खींच लूंगा। ए, उठ। चित्रा एविडेंस, ये कहां मिलेगा, कौन सप्लाई करता है, बोलना। सर स्टीफन नाम का आदमी सप्लाई करता है, वो भी इसी कॉलेज का है। कहां मिलेगा? सीआईटी नगर में। प्रकाश सर, मैं भी देख रहा हूं जब से मैंने इस केस को लिया है आप चुप हैं। सर आपके बारे में इन्हें भी पता चल गया है सर। ए, आप जाइए स्टीफन को पकड़ कर लाइए। ठीक है सर। इस केस की फाइल को प्रकाश को दे दीजिए। ओके सर। रास्कल, ले जाइए इसे। सर 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 छोड़ दीजिए सर सर। सुनो वार्डन के बेटे को खबर दे दी? यस सर, दे दी सर। सर चंद्रशेखर की फाइल सर। सर बोलो। हरि, स्टीफन मिसिंग है सर, सारी स्टेशन पे इन्फॉर्म कर दिया है, रात तक पकड़ा जाएगा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। हो ऐसा है, तो ये कौन है? पता नहीं सर। हे, यही स्टीफन है। फिर इतनी देर से पीछा किसका कर रहा था? आप एक काम करो। बोलिए सर। आप सीधे अस्पताल जाओ। अच्छा सर। चंद्रशेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओ, जाओ। ओके सर। सर रुक क्यों गए? ए, चुप रहे। पता नहीं अब किसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाकर देगा ये। सर
मुझे क्यों पकड़ के लाए हैं? ए, बस ऐसे ही थोड़ी सी पूछताछ करनी है। अगर सही सही जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ये तुम ही सप्लाई करते हो ना? सर ये मैं सप्लाई नहीं करता हूँ सर, मैं तो बस दम मारने के लिए सिगरेट देता हूँ। प्रकाश, तो ये सप्लाई कौन करता है? सर एक विकी नाम का लड़का सप्लाई करता है सर, वो गोवा मनाली जाता रहता है, वहीं से लेकर गया के हॉस्टलों में बेच देता है सर। अभी कहाँ होगा? कॉलेज का ही लड़का है, हॉस्टल में होगा सर, या कहीं ट्रिप पे बाहर गया होगा। उसका नंबर है? हाँ है सर। प्रकाश। बोलिए सर। इसकी सारी डिटेल्स लेकर सीधे हॉस्टल जाइए और वहाँ मिले तो उसे उठा कर ले आओ और इसे गांजा बेचने के केस में अंदर कर दो। ठीक है सर। सर, 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 आपने तो कहा था कि छोड़ देंगे सर। सर, सर, सर। इतनी देर से यहाँ पे खड़ा है, कुछ बता भी नहीं रहा है, करना क्या है? सो, तुम अभी तक रिपोर्ट लेने नहीं गए? किस हॉस्पिटल जाना है सर? इसकी तो देखो हरी, पुलिस की नौकरी के अलावा कुछ और भी कर सकते हो? नहीं सर। नहीं कर सकते? नहीं सर। शादी हो गई? नहीं सर। शादी करके भी क्या करोगे? सर अब कोमा से बाहर आएंगे? मूर्ति सर, जल्दी कर, क्या बोल रहा है ये? ठीक से लिख कर रहा हूँ ना सर। मूर्ति, डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर नागराज सर। मैडम, चंद्रशेखर गणेश, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है क्या? ऊपर जाकर डॉक्टर से मिलिए। ये कब हुआ? आज सुबह सर। सबसे पहले किसने देखा? घर की बाई ने सर। कोई एविडेंस मिला? नहीं सर। फिंगरप्रिंट्स ले लिए? ले रहे हैं सर। बॉडी को क्लियर करो। ओके सर। बोलो प्रकाश। सर मैं बिक्की के बारे में पूछने के लिए हॉस्टल गया था सर, पता चला कि वो वहाँ पिछले एक हफ्ते से नहीं आया है। उसके माता पिता भी नहीं है सर, चाचा से ही पता चला। उसके दोस्त है विजय कुमार, अरुण, इन तीनों के साथ ही घूमता रहता है। उसे आखिरी बार हॉस्टल की एक पार्टी में देखा गया था सर। कार्तिक, यस सर। सीसीटीवी की फुटेज निकालो। ओके सर। क्या करना है? प्रकाश, मुझे इस केस में बिक्की पर शक हो रहा है, एक वही मिसिंग है। आप एक काम करो, उसके दोस्त अरुण विजय कुमार से पूछताछ करो, मैं बस थोड़ी ही देर में वही पहुंचता हूँ। ओके सर। आसपास में पूछताछ की क्या? पूछताछ करने गए हैं सर। सर फुटेज। लैपटॉप दीजिए सर। लैपटॉप ओपन करो। पेन ड्राइव ये लीजिए। इसे और जूम करो। फॉरवर्ड, बैक करो। क्लोज क्लोज। इसे कहीं तो देखा है। और क्लोज करो। सर ईश्वरी अस्पताल की एक नर्स का भी खून हो गया है सर। तुम यहाँ कैसे? दोस्त से मिलने आया था। हेलो, बोलो। प्रकाश तुम कहाँ हो? अरुण से पूछताछ करके कुमार से पूछताछ करने जा रहे हैं सर। विजय के घर कौन गया है? चित्रा सर। चित्रा गई है? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सर सर क्या इमरजेंसी है सर?
तुम ही विजय हो ना? हाँ मैम। विकी को कैसे जानते हो? कॉलेज मेट है। विकी का कैरेक्टर कैसा है? अक्सर आता था, कभी मेरे साथ रहता था, कभी किसी दूसरे दोस्त के साथ। इस केस में प्राइमरी सस्पेक्ट विकी ही है, क्या तुम्हें उसके ऊपर कोई शक है? नहीं, मुझे शक नहीं है। जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो मेरी जान। ए, तुम कहाँ हो? विजय से पूछताछ कर रही हूँ। विजय ही खूनी है, पहले वहां से निकलो, मैं वहीं आ रहा हूँ। चित्रा, 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 मैंने तुमसे निकल जाने के लिए कहा था। गुरु, चित्रा, 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 चित्रा। चित्रा। Hey, मैंने तुम्हें ये केस दिया था कि तुम इस केस को क्लोज कर दोगे, लेकिन तुमने डिपार्टमेंट की नाक कटवा दी। अब बताओ मैं क्या जवाब दूंगा? एक मिनट सर। hey, हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, एक ऑफिसर भी मारी गई है। क्यों एसीपी? बहुत दुखी लग रहे हो। बेकार में मारी गई वो, तुम्हें क्या लगता है इस केस को तुम सुलझा लोगे? सुना है तुम केस को क्लोज कर दिया करते हो और केस के गुनहगार को भी क्लोज कर देते हो? हाँ,
बोल जाओ। मैं जानता हूं कि तुम विक्की को खोज रहे हो। नीचे तेरी गाड़ी में जाकर पकड़ ले, जा। मूर्ति, हे बेवकूफ, हे क्या कर रहा? अरे कैसा आदमी है ये? मूर्ति, 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 कहां हो तुम? तुम विक्की से पूछताछ करना चाहते थे। मुझे लगता है कि तुम कंफर्टेबल हो गए। अगर तू मेरे हाथ लग गया ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। फोन रख और दफा हो जा। तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक आदमी को जलाकर अंदर डाल गया और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। देख लूंगा कहां जाएगा। ए, तमाशा मत देखो, क्लियर करो। ए, छोड़ना नहीं, गेड़ ले, गेड़ ले। मार 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 नहीं चाहिए। ए, छोड़ना नहीं, मार दे मार दे मार दे। ए, मारे, अबे क्या कर रहे है? अबे भैया, या बात कर। खत्म कर दिया उसे? नहीं 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 नहीं, नहीं खत्म कर पाया, नहीं नहीं खत्म किया। सर, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया सर, कम से कम ये कॉफी तो पी लीजिए सर। प्रकाश सर, शहर में जहां जहां गांजा बिकता है वह आज एक भी जगह नहीं बिकना चाहिए, सारी जगह ब्लॉक कर दो। ठीक है सर। क्योंकि वो गजेड़िया है और गांजे के बिना नहीं रह सकता, वो जरूर बाहर आएगा। उसके दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली सबके फोन टैप करो। ठीक है सर। वो जरूर फंसेगा। Thank you.
कौन है भाई, क्या चाहिए? माल चाहिए। अबे यहाँ कोई माल वाल नहीं मिलता, चल निकल यहाँ से। डोप मिलेगा क्या? कहा डोप? डोप ओप मांगने यहाँ आए ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ गया? चल निकल निकल निकल। अरे निकल यार, चल। ए, कौन है रे, क्या चाहिए तुझे? हैं माल चाहिए। क्या रे? माल चाहिए इसे? माल वाल यहाँ नहीं मिलेगा, समझ जाना। चल निकल यहाँ से, चल जाना। ब्रो, मुझे एक कॉल करनी है। क्या है भाई? मुझे कॉल करनी है। चलो ठीक है। मेरा फोन खो गया है। नंबर बोलिए। बोलिए भाई। 9713053221। विजय बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। डोप कहाँ मिलेगा? तू जानता है ना, पुलिस वाले तेरे पीछे पड़े हैं। तो क्या करें? वो एमजी नगर में मिलेगा भाई। भाई वो एमजी नगर में जा, वहां मिल जाएगा। सर आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। लेट्स मूव।
भाग। रुक रहे, तो यहाँ नया लग रहा है, क्या चाहिए तेरे को? डोप चाहिए। पैसे हैं तेरे पास? पैसे हैं? हाँ। बोल। ए मामू, एक बढ़िया पार्टी आई है, लेकर आऊँ क्या? हाँ लेके आ जा, आ जा। अच्छा मिल जाएगा, चल रहे। दे रहे। पैसा लिया क्या? हाँ ले लिए, ला कवर दे। क्या कवर चाहिए? हाँ देना कवर। चल निकल जल्दी से, निकल निकल निकल। हाँ निकलता हूँ रे। ए माल मिल गया ना, अभी तो दिखाई नहीं देना, चुपचाप निकल ले। क्यों एसीपी? उठा कर लाओ इसे। न्यूज 7 अब हिंदी में। वित्त मंत्री जगन्नाथ जी के बेटे और थिएटर कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने कॉलेज के एक छात्र को उसी कॉलेज से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस को शक है कि पिछले कुछ दिनों पहले भी हुई वारदात में कहीं इसी का तो हाथ नहीं है, इसलिए पुलिस लगातार उस छात्र से पूछताछ करने में लगी हुई है। बताओ ए, बोल बोल ना। बताता हूँ, ये जो दौलत है। आज से पहले तुम्हारी जिंदगी कैसी थी मैं नहीं जानता, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी नहीं होगी।
आप जानना चाहते मेरी जिंदगी कैसी थी? Baby, I am coming, baby. Coming. Yeah, okay, baby. Love you. क्या हुआ? कुछ नहीं, baby. चलो ना बेबी। कम ऑन बेबी, लेट्स डांस। कम ऑन बेबी। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलूं क्या? हाँ ठीक है, जाओ। Bye, baby. Okay, baby, bye. Hmm.
आओगे क्या? ना। 1500 रुपए। ऑपरेशन करवाया है ना? हाँ, खुद ही देख लो करवाया है या नहीं। देखता हूँ। जल्दी बोलो। ए भाई। बोलना यार। फालतू लड़के। बोल जल्दी। चल जा। मैं और विक्की हमेशा साथ रहते थे। वी वेयर क्लोज फ्रेंड्स। हम जो भी करते थे एक साथ ही करते थे। ऐसे एक साथ किए हुए सारे काम हमारी जिंदगी बदल देगी हम नहीं जानते थे। क्या बात है बेबी, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, बताओ ना। Do you love me truly, baby? Of course, यही पूछने के लिए बुलाया था। Just tell me, कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं? अरे, you are my sweet baby. छी, मुझे हाथ भी मत लगाना, तुम्हें देखकर भी मुझे घिन आती है। प्लीज मुझे छोड़ना मत, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छोड़कर मत जाना। अभी तुमने कहा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। दूर रहो। Just leave me। बाहर में जाओ। मुझसे बात करने की भी तुम्हारी हैसियत नहीं है। हाय विजय, आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? इतनी बात के लिए क्यों चिंता कर रहे? अरे इसकी दवा है बेटा। क्या कह रहे हैं आप? यस, सच में पिताजी, मैंने पता किया है, इसकी कोई भी दवा नहीं। अरे बेटा, हम पैसे वालों के लिए सब कुछ है, कितना भी पैसा लग जाए लेकिन मैं तुम्हें बचा ही लूंगा। ये नहीं हो सकता पापा, मेरे ऊपर भरोसा करो बेटा। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है,
क्यों? जेनी ने कहा कि उसे मुझसे बहुत घृणा हो रही है, इसीलिए मैंने उसे जान से मार दिया। ए, ये तुमने क्या कर दिया? जेनी, 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 ए, ये क्या कर दिया तूने? पागल हो गया है क्या? तुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। रुक, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तू मेरी औलाद नहीं हो सकता, साइको है तो साइको है। मुझे एचआईवी है, जानने के बाद करोड़ों रुपया खर्च करके मुझे बचाने की बात कहने वाले मेरे पिताजी मुझे पुलिस को सौंपने की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें शांत कर दिया। बोल। ए, कहाँ है भाई? मेरा बर्थडे तुझे याद नहीं है क्या? कहाँ है? मैं जहाँ हमेशा रहता हूँ वहीं मिलूँगा, जल्दी आजा, जल्दी आना भाई। बस पहुँच रहा हूँ। सारी खुशियां छिन जाने के बाद दूसरों की खुशी मुझसे 1% भी देखी नहीं जा रही थी।
तब मैंने फैसला किया कि मैं इन सब की जिंदगी अपने जैसी कर दूंगा। मैंने अपना ब्लड निकालकर सबको इंजेक्ट कर दिया। उसी समय वहां पर वार्डन आ गया। बाप रे, सरकारी बसों का क्या कहना, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी हड्डी पसली टूट गई। लेकिन उन्हें देखो कितने आराम से रह रहे हैं। हाँ? ये आवाज कैसी आ रही है? ए, चार दिन अगर मैं ना रहूँ ना तो ये लड़के इस हॉस्टल को क्लब बना देते हैं। रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। मुझे ऊपर आने दो, फिर तुम सबको सबक सिखाता हूँ। हाँ? छोड़ूंगा नहीं मैं, क्या मजाक बना रखा है। ए, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है यार? ए, कौन है तू और हाथ में सुई लेके क्या कर रहा है? कुछ पूछ रहा हूँ ना तुझसे, बता ना। हाँ? इसे बैठा कर पूछताछ कर रहे हो? पकड़ तो इसे, गोली क्यों नहीं मार दी? इसने मेरे बेटे को मारा है। मैं तुम्हारे बेटे को मारना नहीं चाहता था। उस दिन थिएटर में क्या हुआ जान? या बेबी, ऑफ कोर्स बेबी, क्यों नहीं, जरूर बेबी, एक सेकंड होल्ड करो। ए, कौन है आप? कौन क्या कर रहा है? मैंने थिएटर की सीट में HIV इंजेक्शन लगाए थे। ये बात वो किसी को बता ना दे, इस डर से मैंने उसे मार डाला। उसी समय तुम्हारा बेटा आ गया उस थिएटर में। उस थिएटर में सिनेमा देखने वाले सबको मेरी जैसी जिंदगी मिल गई होगी। ये सोचकर मुझे कितना मजा आ रहा है। सबको मेरी जैसी जिंदगी मिल गई, सब मेरे जैसे हो गए। ये एक साइको है, इसे अभी खत्म कर दो। ए, इसे छोड़ना मत। अगर तुमने छोड़ दिया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा इसे। अस्पताल क्यों गए थे? पापा ने कहा था पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं अस्पताल में डॉक्टर से मिलने गया था। लेकिन उस डॉक्टर को क्यों मारा?
आइए डॉक्टर। मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। हे, तुम कौन हो? अंदर कैसे आए? वॉचमैन। वॉचमैन बाहर सो रहा है। सुनो डॉक्टर, मुझे एचआईवी है, मुझे दवा चाहिए, कितना भी पैसा खर्च हो जाए मुझे दवा चाहिए। क्या कहा? एचआईवी की दवा? ऐसी कोई दवा नहीं है और है भी तो तेरे लिए नहीं है। तू अयाशी करेगा और मैं तुझे दवा दूंगा। डॉक्टर, दवा मिलेगी या नहीं मिलेगी? सुन, शराफत से जाता है या पुलिस को फोन करो। मैं अभी कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। डॉक्टर, एक घंटे से आपका वेट कर रही हूँ। आपको बुलाने के लिए नर्स को भी भेजा था। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, आकर देखिए क्या बात है प्लीज। ना ना बेटा, बस बस, रो मत बच्चा, रो मत। ले ले ले, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा सब। ओ बच्चा, चुप हो जा। ये इंजेक्शन लगाने से ठीक हो जाएगा। बस बस बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी ठीक हो जाएगा। शांत हो जा मेरा बच्चा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। बस बस बेटा, बस। अब तू भी मेरी जैसी जिंदगी जिएगा। तू इंसान है या जानवर? ऐसा करने से तेरी समस्या दूर हो जाएगी। एक बच्चे के अंदर तूने एचआईवी फैला दिया। उस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या कहा? वो बच्चा मेरे लिए बस एक है। मेरी बीमारी की दवा है या नहीं, मेरी बीमारी यहां पर सबको होनी चाहिए। इसीलिए मैंने
ये दुख सबको दे दिया। ऐसा करने से मुझसे कोई घृणा नहीं करेगा। अभी तक मैंने तुमसे जो भी कहा वो सब मेरे किए हुए कामों का बस एक छोटा सा टीजर था। तुम भी तो मुझसे नफरत करते हो एसीपी। मर चुका है सर। इसे जब पकड़ा था तभी मार देता, लेकिन मैं जानना चाहता था कि इसने ये सब क्यों किया। प्रकाश, यहां सब कुछ मिल जाता है, गांजा, चरस, अफीम, शराब सब मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अय्याशी के लिए लड़की चाहिए वो भी मिल जाएगी। पैसे के लिए कुछ भी करते हैं लोग। इसकी हालत का जिम्मेदार समाज है। अगर ऐसे लोगों को सुधारना है तो पहले समाज को सुधारना होगा। अगर अब भी ये खबर बाहर गई तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, सरकार को खतरा होगा, इसलिए लोगों को सच्चाई नहीं बताएंगे। इसका होना और ना होना बराबर है, जल्दी से क्लियर करो। बॉडी को डिस्पोज करो। ओके सर। सिलसिलेवार हत्या की आरोपी छात्र ने पूछताछ के दौरान पुलिस स्टेशन में ही आत्महत्या कर ली, जिसके लिए एसीपी गुरु को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन पूछताछ करेगी, उन्हें दोबारा बर्खास्त किया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी, ऐसा कमिश्नर का कहना है। इन्हें पुलिस के हवाले किया तो कानून बहुत देर में सजा देगा। अगर किसी राजनेता का बेटा हुआ तो सजा भी नहीं होगी। इससे बेहतर होगा तुम ही इसे खत्म कर दो, ताकि फिर से किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। हद से ज्यादा नशे की आदत इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, उसकी जिंदगी बदल देता है। नौजवानों में ये आदत ना फैले, इसके लिए सिर्फ समाज को बदलने से कुछ नहीं होगा, माता पिता को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी पड़ेगी, तभी इस समाज में इस तरह के अपराध नहीं होंगे।